गुड इवनिंग बच्चों, आज मेरे साथ है सीएमए हर्षित सैनी, जिन्होंने सीएमए फाइनल जून 2024 के अंदर ऑल ओवर इंडिया 47 रैंक सिक्योर किए। हर्षित, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। हर्षित, मेरा तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा जो ब्रदर है आयुष, उसने भी इंटर फाइनल सचिन लकड़ा से किया था और फाइनल के अंदर भी उन्होंने रैंक लगाई, और तुमने भी इंटर फाइनल सचिन लकड़ा से किया और तुमने भी फाइनल में क्या रैंक लगाई? क्या एक रैंक से मन नहीं भरा था? सर बस दोनों भाई हम हार्ड वर्किंग थे स्मार्ट और पैशनेट थे सीएमए के लिए। हम कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते थे तो हमने सीएमए को परस्यू किया और ऐसे ऐसे करते करते हार्ड वर्किंग के रिजल्ट आए और फिर रिजल्ट के रंग अच्छा आया बस। हर्षित, जैसे मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर के भी टच में काफ़ी रहा हूँ, क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे तो जब कोरोना टाइम पे वो आए थे, तो कोइंसिडेंटली अभी मेरे घर पे ही आए थे, जैसे आज अभी अपने यहाँ घर बैठे हो वैसे घर पे आए थे। और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सर, मैं, मेरे दोनों बच्चे आपको सौंप के जा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना। तो मतलब मुझे उनके मन के लगा कि एक बहुत साधारण से फैमिली से हो, और तो मतलब तुम्हारा दोनों का एक शुरू से ही पढ़ाई की स्ट्रेटेजी, पढ़ाई को लेकर बचपन से ही तुम मतलब काफी सिंसियर थे, या बाद में ज्यादा सिंसियर हुए, मतलब क्या रहा? नहीं, हम दोनों ब्रदर्स बहुत सिंसियर हैं पढ़ाई के अंदर, पूरे पैशनेट भी है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग है। हम टाइम टू टाइम पे सिंसियर पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं पढ़ाई के टाइम पे और वही रिजल्ट हमारे साथ आते हैं उस टाइम। और बच्चों, इन्होंने मुझे कभी ऐसा भी नहीं लगा कि जैसे ये कभी इन्होंने कोई कोचिंग की छुट्टी की है, या मैंने इनको बोला कि बच्चों तुमको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना, मतलब ये केवल ये कहते थे सर आप बस ये बता दो और कुछ करना बस रह गया क्या? मतलब मैंने कभी तुम्हारी तरफ से कोई इस तरह का नेगेटिव सोच कभी देखी नहीं। मैं जनरली बच्चों को ये बोलता हूँ कि बच्चों कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आने नहीं चाहिए। और मुझे आयुष और हर्षित, ये बात कभी दोनों में ही देखने को नहीं मिली, और ये तुम दोनों में एक अच्छी बात है। वही कारण है कि आज दोनों भाइयों ने इंडिया में अंदर मतलब काफी नाम कमाया है। थैंक यू सर। आज तुम्हारा ब्रदर अभी शायद मुंबई में है, यस सर, कौन सी कंपनी में है वो? वो सीएट टायर्स में है। सीएट टायर में मुंबई में है, हाँ तो उसकी फर्स्ट जॉब वहीं लगी है यहाँ पे। यस सर। तो हर्षित, मैं तुम्हें ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों को जो से अपकमिंग जो एग्जाम आ रहे हैं दिसंबर के अंदर, तो अपन को मतलब बहुत हाथ पैर मारना चाहिए, बहुत टेंशन करना चाहिए, या मतलब बिल्कुल कूल होके मतलब पेपर देना चाहिए? मतलब क्या तुम्हारा रहता है, मतलब जो लास्ट के 4 महीने, जब पता है ये बहुत पैनिक वाला समय है, क्योंकि इस समय मेरे पास इतने कॉल आते हैं, सर ये रह गया, ये करूँ, ये पढ़ूँ, तो मतलब 4 महीने कैसे संभाले अपने आप को, मैं ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे अपन को मतलब ध्यान देना चाहिए? तो सर मैं इसमें ये एडवाइस देना चाहूँगा सर कि 4 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसमें आपको रिविजन करना शुरू होता है आपका, अब कोर्स का इस टाइम पे एंड की स्टेज पे होता है। 90% आपका कोर्स खत्म हो चुका होता है और एंडिंग स्टेज में आता है। यहाँ पे आप पैनिक होते हो कि अभी तक मैं सब कुछ भूल चुका होता हूँ, यह लगता है कि मतलब कुछ याद ही नहीं है, मैं क्या होएगा रिविजन के अंदर, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर भेजनी है। बट अपने को गो विद द फ्लो करना है, टीचर्स की बात माननी है, होमवर्क रेगुलरली फ्लो करना है, कोर्स को टाइमली कंप्लीट करना है और अपने को साथ के साथ टेस्ट सीरीज दे दिया नहीं है। और टेस्ट सीरीज अपने को वीकली बेसिस पे जैसे कोचिंग प्रोवाइड करता है, सर प्रोवाइड करते हैं, वैसे देते रहिए और फिर अपने को प्रोवाइड कर अच्छे से पढ़ते जाना है। उनके ऊपर टेस्ट देते रहिए और उसके ऊपर रिजल्ट मैंने सबसे अच्छा अर्षित एक देते तुमसे रहिए। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन मैं भी पहले दिनेश से भी पूछना चाहता था कि जैसे 4 महीने मिलते हैं, उस टाइम क्या होता है कि टाइम भी सफिशियंट होता है और कोर्स भी काफ़ी बड़ा होता है और तुम कर भी लेते हो, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि समय क्या आता है, पास आता है, तो कोर्स तो तुम्हारा उतना ही है और टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अब एक ये सिचुएशन क्या होती है, लास्ट का जो 1 महीना बचता है, मतलब बच्चा उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाता, उसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया। मतलब ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, हालांकि मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि जो पुराना पढ़ा होता है वही सब कुछ याद रहता है। तुमको भी ऐसा लगा कि मैं भूल गया, या तुमको आया कि मैं ड्रॉप कर दूँ, नहीं दूँ एग्जाम? तो मतलब तुमने उस सिचुएशन को, या तुमको पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं बताता तो रहता था ऐसा होगा, तो तुमने मतलब तुम्हारे साथ क्या रहा ये मतलब? यस सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि लगता है ये बिल्कुल भूल जाते हैं अपन। ऐसा बिल्कुल लगता है कि अपन कुछ याद नहीं है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपन, एक रिवाइज किया, लॉ रिवाइज किया हमने, तो लॉ रिवाइज करते करते सब तक अपन कॉस्टिंग पूरी भूल गए। फिर कॉस्टिंग रिवाइज करते हैं तो ऐसा लगता है SFM भूल गए, SFM रिवाइज करते हैं CFR भूल गए। बट अपने को हर चीज़ का सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, इक्वली अपने को फोकस करना है उस सब्जेक्ट्स पे। और सब्जेक्ट्स पर फोकस जिनका लगता है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे वीक हो, आपको इस पर समझने वाला टाइम लगता है, उनको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली
उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उनमें टीचर्स से ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट्स आए टीचर्स के ना थोड़ी हैंड टू हैंड सॉल्व कीजिए। बच्चों मैं इस चीज़ में एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जो लास्ट का वन मंथ होता है ना, तो उसमें बच्चों को ये लगता है कि हम भूल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं भूलता। केवल एक पैनिक सिचुएशन है जहाँ बच्चा अपने आप खुद ही सोचता है कि मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो तुमने अभी आपने इंटर का एग्जाम दिया, आपने इंटर का एग्जाम मान लो दिसंबर में दिया और आपका फरवरी में रिजल्ट आया, और आपने अप्रैल मई में कोचिंग की। जब अप्रैल मई में कोचिंग की तो उसका मतलब ये हो गया कि आप पढ़ाई से 6 महीने दूर थे, और 6 महीने बाद आपने वापस पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैं बच्चों से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि बच्चे बताओ उसका जवाब क्या होगा, तो बच्चे आराम से कूलली उसका जवाब दे देते हैं, जबकि वो तो मैंने ऑल ऑफ सडन पूछा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप भूले थोड़ी है, आप एक पैनिक हो गए। आपको लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन रियल में आप भूले नहीं है। आपने अपने आप को पैनिक कर लिया। उस पैनिक के चक्कर में आपका जो लास्ट मंथ होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सब भूल गया, अब मैं ये अटेम्प्ट नहीं दूंगा या मैं एक ग्रुप दूंगा। बच्चों मैं अगेन कहता हूँ, चलो आप एक ग्रुप ना, आप अटेम्प्ट ना दें। अगेन दिसंबर आएगा, दिसंबर के पहले वही नवंबर आएगा, और फिर वही सिचुएशन आएगी कि मैं भूल गया। ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर सिक्योर किए हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, तो बिलीव मी कोई नहीं भूलता। बस आप जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो बच्चे मानते हैं उसी के पीछे कारण है कि बहुत बच्चे हैं जो हमारी बात मानते भी है, और उसी के कारण आज हमारी इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में, मतलब एक ये ट्रेंड ही हो गया कि मिनिमम 10 AIR तो है ही आएगी, मतलब ये हर अटेम्प्ट में ये हो रहा है। तो हर्षित मतलब सही है, वास्तव में भूल जाते हैं या मतलब नहीं भूलते हैं? मतलब नहीं, वास्तव में सही में लगता है भूलते हैं, पर आप जैसे जैसे रिविजन करते हो ना, फर्स्ट रिविजन करोगे लगेगा कि ना भूल रहे हैं, सेकेंड रिविजन करोगे आपको लगेगा याद आ गया है, और थर्ड रिविजन पर आपको लग सकता कि आप तो याद हो गया यार, मतलब लगभग फिर भी आपका एग्जाम का प्रेशर के चक्कर में लगता है कि भूल रहे हैं। पर अपने को कूल रहना है, सिर्फ स्टेबल रहना है, और अपने एग्जाम के बारे में सोचते रहना है। कोई चिंता नहीं करनी है, एग्जाम देंगे, टेंशन करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस उसमें अपने को फोकस करना है एग्जाम के ऊपर, और एक अपने एग्जाम देने हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, जो तुम्हारा जो लास्ट के मतलब बच्चे सोचते हैं 8 पेपर 8 दिन, मतलब ये बात उनके अभी से दिमाग में चलती कि वो कैसे करेंगे, एक दिन में कैसे होगा, क्योंकि तुम मान लो तुम्हारा 2 बजे पेपर है, तुम 1 बजे घर से निकल जाओगे, 6 बजे वापस घर पहुँचोगे, जाते ही पढ़ोगे नहीं, मतलब कुल मिला के एग्जाम से आपको एक दिन पहले 7-8 घंटे मिलते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि इतना बड़ा कोर्स 7-8 घंटे में कैसे होगा, और वो भी 8 सब्जेक्ट, और इस चक्कर में कई बच्चे उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो क्या तुम ये मानते हो कि जो लास्ट के जो 8 दिन होते हैं, वो जो हम 8 घंटे में पढ़ते हैं वही सब कुछ होता है, या जो हमने पुराना पढ़ा उसकी इम्पोर्टेंस होती है, या वो 8 दिनों में तुम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते थे, रिवाइज कर लेते थे, या नहीं होता था? नहीं, 8 दिन में तो पूरा साल का कोर्स रिवाइज करना इज इम्पॉसिबल। हमने जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज कर, वो अपने को याद रहता है, वही हो पाता है। अपने को एग्जाम दे के आते हैं 6 घंटे मिलते हैं, 4 to 5-6 hours मिलते हैं, तो उसके अंदर पूरा कोर्स रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल। जो आपके वीक पॉइंट्स है और जो आपको लग रहा है एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर साल रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, उसको एग्जाम में एक दिन पहले प्रिपेयर करिए, रेडी रखिए उतना कॉपी बना करके, और शॉर्ट्स में शॉर्ट नोट्स को हमेशा एग्जाम एक दिन पहले रिवाइज करिए, और उसको लुक इनटू करिए पूरा। मैंने भी सेम ये फॉलो किया था, मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि 8 दिन के अंदर मेरे को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं एग्जाम सब्जेक्ट से पहले। कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लूँ SFN के अंदर, तो SFN मैंने चैप्टर वाइज मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स में मैंने वही पॉइंट्स कवर किए थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड थे और रिपीट हो रहे हर साल, उन पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, उनके मैंने की पॉइंट लिखे, और की पॉइंट्स से उनको मैं रेफर करता रहा, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले मैंने उनको रेफर किया, उनको मैंने लुक इनटू किया, सिर्फ 4 hours में उनको कवर कर लेता था आराम से, और 4 hours में उनको कवर करके मैं पूरा से लगता था कि ये अपना कवर हो चुका है सिलेबस, मैं स्ट्रांग हो चुका है, मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ एग्जाम देने के। और एक बच्चों जैसे 8 घंटे में जो हमको मिलता है, तो हम उसमें क्वेश्चंस करें या पढ़े, मतलब एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब क्या करें, मतलब 8 घंटे में कोई क्वेश्चंस करने या नहीं करने, मतलब क्या इसका?
क्वेश्चंस तो 8 घंटे में बिल्कुल नहीं करना, एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो अपन ने पढ़ा है वही करना है, मोस्टली अपने को नोट्स कवर करने हैं, और जो अगर लगता है अपने को फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है कि फ़ोन में क्या है, वो लगता है कि ये क्वेश्चन को डाल दे बच्चा तो अपने को वो क्वेश्चन आएगा पक्के से कल, वो एग्जाम में अपने रेफर बिल्कुल नहीं करना है, अपन ने जो एक साल में पढ़ाई की है उसी को पुल करना, फोकस रहना है, और जो अपन ने पढ़ा है वो याद रखना है, किसी की कुछ बातों में नहीं आना है, हमें फोकस रख के बिल्कुल अपने एग्जाम में तैयारी करनी है। एग्जाम में जैसे एक कॉमन चीज़ होती है ब्लैंक होना, मतलब बहुत बच्चे हो जाते हैं ब्लैंक हुआ, तो तुम किसी पेपर में ब्लैंक हुए या नहीं हुए? मेरा एक CFR का पेपर था, मेरा CFR क्या बहुत स्ट्रांग थी, बट मैं उसमें क्या पैनिक हो गया था, क्या उसमें मेरे MCQs बहुत हार्ड आए थे, तो MCQs अटेम्प्ट करते करते बहुत कवर टाइम लग गया था मेरा, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स उसमें चले गए थे MCQs में, तो मैं पैनिक हो गया था, मेरा 2.515 आवर्स बज रहे हैं, तो उसको कैसे कवर करेंगे, फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसमें भी मेरा आंसर गलत आने लग गया, बहुत कटिंग भी हो गई पेपर के अंदर, तो मैं बहुत पैनिक हो गया था, फिर मैंने थोड़ा 15 मिनट का मतलब ना रिलैक्सेशन लिया, उसको पेपर को लुक इनटू किया, हर क्वेश्चन को दोबारा रीड किया कि अब कौन सा मेरे को 2 आवर्स के अंदर कवर करना है, तो 2 आवर्स के अंदर फिर मैंने स्टेबिलिटी लाई, अब मेरे को जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि ये हो जाएगा मेरे से, उसी को मैंने अटैम्प्ट किया, और उससे मेरा CFR का पेपर बिगड़ा गया, मतलब स्टेबिलिटी पॉइंट पर आ गया, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना मैं कवर नहीं कर पाया CFR का। बच्चों मैं अब कल कल अपना तुषार मोयल और यश मंगलानी और इन्होंने भी ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्योर की है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बच्चा होता है ना वो पैनिक कब पेपर कब बिगड़ता है, जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है या नर्वस होता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आप जब भी पेपर देते हो ना तो नर्वस हो ना एक्साइटेड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें तो मैंने 5-5 बार कर लिया, 6-6 बार कर लिया, तो आप बिलीव मी एग्जाम के दिन सबसे पहले उसी को बोलेंगे आप। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, मुझे नहीं आता, ये आ गया, तो ये दोनों चीज़ें ना ही। कल आप मैं आपको यश मंगलानी और तुषार मोयल और उनके जो पूरा फ्रेंड सर्कल था, मतलब काफ़ी के सारे ऑलमोस्ट सारे ही CMA इंटर के अंदर जो उनका फ्रेंड सर्कल था, सब ने बोध ग्रुप क्लियर कर लिया और 3-4 ने AIR भी लगाई है, तो वो बच्चे ऐसे थे, मतलब बिल्कुल कूल रहते थे, और मतलब कभी मैंने उनको पैनिक होते हुए इतना नहीं देखा जितना होता है। तो आप लोगों को मेरी जो पर्सनल एडवाइस यही है कि आप पेपर देते समय बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पैनिक होंगे तो आप कई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगी जो कि आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो आप इस बारे में जरूर ध्यान रखिए। जैसा कि ये भी बोल रहा है कि कूल रह के पेपर दीजिए, तो अगर आप जितना कूल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और अगेन एक क्लास में मतलब अपन को कितना घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में क्लासेस पूरी कवर करो, क्लासेस टाइमली लो, टाइमली को डेली क्लासेस कवर करो, डेली का टारगेट कंप्लीट करो, डेली का होमवर्क कंप्लीट करो। ये अपन लास्ट के जो 4 महीने उसमें कितना आवर्स अपन को पढ़ना चाहिए? 4 महीने देखो, स्टार्टिंग के अंदर हम ना इतना फोकस नहीं कर पाते, तो अपने को एक रूटीन सेट करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आप 8 आवर्स पढ़ते रहिए, 8 आवर्स पढ़ते रहिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहिए। तो जैसे मैंने ये फॉलो किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैं मोस्टली 8 आवर्स पढ़ता था डेली, फिर सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैं 10 आवर्स हो गया था, थर्ड रिवीजन के टाइम पे ऑलमोस्ट मैं 10 आवर्स पढ़ता था डेली वेजन में। थर्ड रिवीजन क्या पूरा टाइम एग्जाम पास में आ गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था, बट ऑलमोस्ट मैंने मेन मेन पार्ट्स कवर कर लिए थे थर्ड रिवीजन में, उसकी वजह से अच्छा गया। मतलब लास्ट के मेरे हिसाब से 10-12 आवर्स अपन को पढ़ना चाहिए इसके। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी सब्जेक्ट में जैसे मैं तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ, उसमें मैं तुमको एक सेपरेट बुक करता हूँ, तुमने इसके अलावा भी कभी कोई मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस किया या जो अदर बुक्स पे भी मतलब ज़्यादा ध्यान दिया था? यस सर, सर SFM के अंदर मैंने सर क्या हमेशा पेपर बिगड़ता सबका, तो SFM के अंदर मैंने सनी सर के नोट्स थे ना वो मैंने अच्छे से सॉल्व किए थे, सनी सर ने बोला कि आप इसको अच्छे से रेफर करना, ये नोट्स में से ही नोट्स और मॉड्यूल इन दो में से कवर कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने उनको एक बात मानी और अच्छे से पहले मॉड्यूल कवर किया, फिर नोट्स को कवर करने का, नोट्स पूरे नहीं हो पाए थे बट मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चेक करना वेरीफाई किए, अच्छे से सर से पूछे थे इंपॉर्टेंट मार्किंग दी और उनके मैं क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। CMA के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग नो डाउट आपको अदर बुक भी कराते हैं, CA के क्वेश्चन भी बहुत कराते हैं, लेकिन आपको मॉड्यूल CMA का मॉड्यूल बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपने मॉड्यूल नहीं, कई बार ऐसा होता है एज इट इज वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मॉड्यूल से, और अगर आप मॉड्यूल पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको बाद में काफ़ी रिग्रेट होगा। तो मॉड्यूल कुछ भी हो जाए, आपको मॉड्यूल एंड स्कैनर जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए। यस सर, ठीक है।
अर्शद थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सर।